और ये 65 किलोग्राम का फाइनल बजरंग पूनिया और अरफुल के बीच में, एसएससीबी के बीच में, और दोनों ही बहुत अच्छे पहलवान और वर्ल्ड चैंपियनशिप की क्वालिफाई के लिए ये कुश्तियाँ हो रही हैं और उसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओलंपिक क्वालिफाई भी होना है और ये कुश्ती शुरू हो चुकी है। और ये कुश्ती बहुत अच्छी होने की संभावना देखते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्जुन अवार्डी कृपा शंकर पहलवान जी। धन्यवाद देवेंद्र। फिलहाल ये 65 किलो का मुकाबला फाइनल मुकाबला है एक तरह से, और जो भी पहलवान इसमें से विजेता घोषित किया जाएगा सीनियर भारतीय कुश्ती टीम का मेंबर होगा, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप कजाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण है देवेंद्र जी, यहाँ पर ओलंपिक कोटा है जी। और अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभी तक बजरंग पुनिया ने जितनी भी कुश्तियाँ लड़ी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, 9 प्रतियोगिताएं खेली है, उसमें से 8 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उम्मीद है भारत के पास में जी। हाँ, और इनसे हम ओलंपिक पदक की भी उम्मीद कर सकते हैं और कुश्ती में भी ज़्यादा संभावना इनकी जीतने की है। और रेफरी ने वार्न किया है ब्लू पहलवान को कि आप कुश्ती लड़ रही है और वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, वॉन करना एक परंपरा है, कुश्ती नियमों से बंधी हुई है। और यहाँ पर देखिए, दूसरी बार अगर वॉन किया जाता तो 30 सेकंड एक्टिवेट टाइम में डाल दिया जाता है, यानी कि पहलवान को 30 सेकंड में स्कोर करना ही है। करो या मरो की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। हरफूल जो कि बहुत ही प्रतिभावान पहलवान है, इतना आसानी से मुकाबला नहीं है बजरंग पुनिया के लिए मैं समझता हूँ, क्योंकि दोनों ही पहलवान मंजे हुए हैं। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, पिछले जो प्रतियोगिताओं की बात करें, तो बजरंग पुनिया का रिकॉर्ड थोड़ा भारी है, वो थोड़े एक कदम आगे दिख रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल 0-0 पे है स्थिति, लगभग 4 मिनट कुश्ती का बचा है, 2 मिनट समाप्त हो गए हैं, एक भी पहलवान का अंक नहीं है। हालांकि यहाँ एक अंक अर्जित किया है, वो भी स्कोर करके नहीं किया है, एक 30 सेकंड एक्टिवेट टाइम के अंदर वो स्कोर हुआ है। तो मैं सब अच्छा मुकाबला बनने जा रहा है देवेंद्र, मुकाबला रहेगा। और ये बजरंग पहलवान ने बहुत अच्छा अटैक किया और 2 पॉइंट हासिल किए और बाहर गए दोनों पहलवान, और रेफरी ने खड़ा होकर कुश्ती लड़ने का निर्णय लिया और अंदर आने। बिल्कुल, क्योंकि प्रोटेक्शन एरिया में अगर कुश्ती चली जाती है, जो ये लाल घेरा है, इसके बाहर अगर कुश्ती चली जाएगी तो रेफरी का दायित्व बन जाता है। रेफरी भी मजबूर होता है, नियमों से बंधा हुआ होता है, तो वहाँ छुड़ा के सेंटर रेसलिंग एरिया में दोबारा स्टैंडिंग रेसलिंग वहाँ पे शुरू कराई जाती है। एक बार फिर वॉन किया है, क्योंकि कुश्ती नियमों से बंधी हुई है, यहाँ पर आप कुछ भी उरेप काम नहीं कर सकते हैं, कुछ गलत एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, आप एक दूसरे का अंग भंग नहीं कर सकते हैं। और वीरेंद्र जो कि रेफरी हैं इस कुश्ती के, बहुत ही पेनी नजर से इस कुश्ती पर पूरा हिंदुस्तान देख रहा है मैं समझता हूं, क्योंकि यहां से ओलंपिक कोटा निर्धारित होना है। अगर कोई पहलवान जीतता है, पुनिया फिलहाल बहुत अच्छी स्थिति में 3-0, और मैं समझता हूं कहीं भी वो अपना एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे। फाइनल मुकाबला है, इस बार हाथ चढ़ाया था, प्रयास किया और लगातार स्कोर बांधा है कि स्कोर है तो वो डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन यहाँ बजरंग पुनिया अभी भी प्रहार कर रहे हैं देवेंद्र जी। हाँ, और जैसा कि इंटरनेशनल कंपटीशनों में भी देखा होगा, जो बाद 2 मिनट कुश्ती हो तो ज़्यादातर बजरंग पुनिया अपनी तरफ रखते हैं कुश्ती को और चलाते रहते हैं पहलवान को, और ज़्यादा अंक उसी टाइम में हासिल करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी देवेंद्र जी आपने, क्योंकि पहले 3 मिनट के अंदर बजरंग पुनिया बहुत ही आसानी से मुकाबला लड़ते हैं और अगले 3 मिनट में बहुत जबरदस्त, और ये रेफरी द्वारा हिदायत दी जा रही है। और हरफूल जो कि सुशील कुमार और पदम श्री सतपाल जी के चेले हैं, छत्रसाल स्टेडियम से संबंध रखते हैं और अभी अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। तकरीबन हमने देखा है कि बजरंग पुनिया 3 मिनट तक भी किसी को टिकने नहीं देते हिंदुस्तान में, लेकिन अगर यहाँ पर मुकाबला 6 मिनट अगर खेल रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। और अभी इतना बड़ा स्कोर नहीं है, एक बड़ा स्कोर होता है 4 पॉइंट, बहुत अच्छा लेगा टेक, उल्टे पैतरे में अच्छा पकड़ बना रखी है बजरंग पुनिया ने, यहाँ पर डेंजर करने का प्रयास कर रहे हैं पीछे जाने का। लेकिन अभी हरफूल जो कि हार मानने को तैयार नहीं, जान बजाती है कुश्ती और अपनी गिरफ्त में ले लिया 2-2, एक बार टेक डाउन करने का और उसके बाद फिर 2 पॉइंट, और यहाँ पर थोड़े चोटिल हो गए हैं हरफूल,
उनके घुटने में पहले से ही चोट थी और एक बहुत अच्छा मोमेंट हुआ है। बजरंग पुनिया ने उल्टे पैतरे में अटैक किया है और टेक डाउन करते हुए दो अंक और उसके साथ ही डेंजर पोजीशन में ले आने के फलस्वरूप दो अंक और दिए गए। जी हाँ, और लगातार चार अंकों की बढ़ोतरी, क्योंकि अटैक इतना अच्छा था कि वो साथ के साथ बाहर भी चले गए और डेंजर भी हो गए, इसीलिए उसको लगातार दो और दो पॉइंट मिले। और चोट शायद ज़्यादा लग गई है पहलवान को और मेरे ख्याल से आगे कुश्ती लड़ने लायक वो नहीं रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि कुश्ती के अंदर विपक्षी पहलवान उस दिशा में जॉइंट को मरोड़ता है जिस दिशा में हमारा जॉइंट नहीं मुड़ता। जब ही विपक्षी पहलवान की पकड़ ढीली होती है, और ये कुश्ती का एक हिस्सा है, लेकिन वो भी नियमों में, आप कितना मरोड़ सकते हैं, कितना तोड़ सकते हैं, कितना खींच सकते हैं, ये सब नियमों में। वो बजरंग पुनिया इस बात को बखूबी जानते हैं। शून्य के मुकाबले 7 अंक से बजरंग पुनिया ने भी बढ़त बनाई हुई है। मुझे लग रहा है चोट गंभीर है और पहले से ही उनके दाहिने घुटने में, बाएं घुटने में चोट थी। दोनों ही घुटनों में उनके निकेप है, हालांकि एक अब स्थिति, डॉक्टर उसका मुआयना कर रहे हैं, रेफरी उनको लगातार नज़र बनाए हुए हैं। तो एक मेडिकल टाइम भी होता है 4 मिनट का, अगर किसी पहलवान को चोट लगती है तो 4 मिनट का मेडिकल टाइम होता है। और यहाँ पर कुश्ती छोड़ने पर मजबूर हुए हैं हरफूल, और इसके लिए भारत की ओर से क्वालिफाई किया है पहला वेट कैटेगरी, जो कि 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल बजरंग पुनिया।